है, इंदरपुर गांव जो है टोटल दलित आबादी का गांव है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, 11 अप्रैल को यहां पर जो है पहला लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। जानते हैं यहां की जनता से क्या रुझान है। आपका नाम? सुशील जायसवाल। सुशील जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चंद्रशेखर और जो है मायावती, किसका वर्चस्व ज्यादा मानते हैं? मायावती जी। क्यों, क्या वजह? मायावती राजनीतिक पार्टी है और चंद्रशेखर जो है अराजनीतिक सामाजिक संगठन है। तो क्या चंद्रशेखर का आप कोई प्रभाव नहीं मानते हैं? ये प्रभाव तो है, प्रभाव ये नहीं है कि राजनीतिक प्रभाव नहीं है। जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि वह जो है वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ, तो क्या आप समर्थन करते हैं इस बात को, उन्हें जो है लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए वहाँ, जब ऐसी बात है, नहीं तो बहन जी संगठन जो भी है जो मानता है कि लड़ना अच्छा है लड़ना चाहिए। और संगठन पहली बात यही, जब चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे थे मैं कोई भी राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने फिलहाल नया स्टैंड करा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, गलत करा, लड़ना नहीं चाहिए था। जब वो लड़ भी रहे तो अपनी औकात में फिर खुद देख लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो है गठबंधन को हराओ, गठबंधन के खिलाफ रहेंगे, तो क्या आप उनका से सहमत है? कुछ बात से सहमत भी हूँ। क्यों? जैसे कि बहन कुमारी मायावती ने ठाकुरों को ब्राह्मणों को टिकट दिया, वो गलत दिया। जो संविधान खत्म करने की बात आ रही, संविधान भगा रहे, संविधान खत्म कर देगी, कौन खत्म करेगा? ठाकुर ब्राह्मण को खत्म करेगा, दलित नहीं करने करने के, मुस्लिम नहीं करने खत्म करने के। आज बहन जी ने जो 14 टिकट दी वो गलत दी है, उसकी बात से मैं सहमत हूँ। आप क्या मानते हैं, क्या चंद्रशेखर का प्रभाव है यहाँ पे? प्रभाव है जी, हाँ प्रभाव यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव है। किस तरह का प्रभाव है? ये सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्य करता है, इसमें राजनीति में कोई खास ज्यादा प्रभाव नहीं है। रही इसकी बात, वहाँ जहाँ भी चुनाव लड़े हैं तो वाराणसी से जो है जो वाराणसी चुनाव लड़े हैं, ये तो सिर्फ एक दूसरे दल को हराने के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पर, दूसरे दल को हराने के लिए। जी जी। तो क्या इससे नुकसान होगा, फायदा होगा? तो यह है कि अपनी राजनीतिक ठीक सुधारने के लिए खड़े हैं ना चंद्रशेखर जी। नहीं, उसका कोई राजनीतिक नहीं, उसका मेन मकसद यह है कि भाजपा को हराना है जहाँ तक मोदी है, क्योंकि उसके शासनकाल में चंद्रशेखर पर तो गठबंधन का विरोध कर रहे हैं कि गठबंधन को हटा दो। चंद्रशेखर पर जाना जो अत्याचार हुए हैं उसके खिलाफ लग रहा है वहाँ पर, तो अत्याचार हो रहे तो उन्होंने यहाँ से टिकट क्यों नहीं लड़ाई हुई, यहाँ से क्यों नहीं? वो तो उसके जहाँ से लड़ना चाह रहा है, वो जहाँ से लड़ना चाह रहा है मोदी, या जहाँ से पहले लड़ा उसके उसके गढ़ में हराना चाह रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से जानते हैं कि इनका रुझान क्या है। आपका क्या नाम है? क्योंकि काफी लोग तो चंद्रशेखर को मानते हैं, और ज्यादातर ज्यादातर रोजगार मायावती जी ने किया है यहाँ पर। चंद्रशेखर को तो मुश्किल से अभी जो है 1 साल हुआ है, मायावती जी आपके बीच इतने दिनों से है, तो आप किसको ज्यादा अपना समर्थक मानते हैं? मैं तो ज्यादा सपोर्ट मायावती जी को करूंगी। क्यों, क्या क्या उन्होंने? क्योंकि उन्होंने वो काफी पहले से है, और मतलब कि चंद्रशेखर जी हमारे बीच में ओनली 1 साल से है, और वो काफी साल से हमारे बीच में मतलब कि राजनीति में आई हुई है। तो आप किसका समर्थन करते हैं अपना? मैं मायावती जी को करूंगी। आपका क्या नाम है? जानकी। आप किसके बारे में बताएंगे कि समर्थन किसको करेंगे आप बोला जाए? मायावती। क्यों? क्योंकि बताए बताए समाज का बहुत ये पहले से है राजनीति। तो क्या चंद्रशेखर को आप मानते नहीं हो कि चंद्रशेखर जो है वो आपके हितेशी हैं, क्या आप उसको नहीं मानते हो? चंद्रशेखर आजाद को भी मानती हूँ, क्योंकि मायावती जी। जानते हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आपका क्या नाम है? ओके जी, आप बताएं आपकी क्या राय है, आप किसको अपना समर्थन करती हैं? तो हम बस मायावती को ही देंगे जी। क्यों, क्या वजह है? या मान सम्मान तो हमारा मायावती ने किया ना। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी है, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ी है, अब लड़ाई लड़कर कहाँ गए हैं? मैं तो सकल तक भी नहीं दिखाई आज तक से, ना हमारे गाँव में आए।